हालेलुया, जय मसीह की। दो पल हाथों को उठा के बोले धन्यवाद ईश। ओके, हम यूहन्ना के किताब पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके साथ से देखेंगे किस तक है, जिसके शीर्षक में लिखा है परमेश्वर प्रेम। जोर से बोलो परमेश्वर प्रेम। कोई चैट में लिखो परमेश्वर प्रेम। प्रेम को बोलते हैं अगापे प्रेम। हमारा प्रेम क्या है? हम जो प्रेम करते हैं हम लेने का प्रेम करते हैं, परमेश्वर जो प्रेम करते हैं देने का प्रेम। इसलिए हम प्रभु के साथ संगति करते हैं ताकि हम उसके साथ प्रेम में बढ़े। जब हम प्रभु के साथ संगति करता है प्रेमालु परमेश्वर हमसे प्रेम से भरता है। रोमियो 5:5 में लिखा है पवित्र आत्मा मेरे मनो में प्रेम उमड़े होता है। जितना हम पिता परमेश्वर से यीशु मसीह से पवित्र आत्मा से संगति करता है उतना हम प्रेम से भर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पास आने वाला आने आने वाला व्यक्ति पूछा सबसे बड़ा नियम क्या है? वो अपने परमेश्वर से सब कुछ से प्रेम कर, दूसरा तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हमें कितना इम्पोर्टेंट प्रेम, प्रेमालु व्यक्ति हमारा निर्णय होने का कि हम प्रेम में चलें। कोई चैट में देखो मेरा निर्णय है कि मैं प्रेम में चलूं। मैं लड़ाकू नहीं, मैं चुगलीखोर नहीं, मैं एक दूसरे को गिराने वाला नहीं, मैं एक दूसरे को उठाने। प्रेमालु व्यक्ति हमेशा नम्र होता है। यीशु मसीह कितना नम्र था, अपने चेलों के पांव धोए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, बोला परमेश्वर प्रेम। आमेन। दुनिया में एक कहावत है परमेश्वर प्रेम है, दूसरा कहता है प्रेम परमेश्वर है। नहीं, दुनिया का प्रेम परमेश्वर नहीं। हालेलुया, प्रेम परमेश्वर रहता तो लव मैरिज और जितने लव मैरिज है सब भयंकर अवस्था में। कारण क्यों? लव हमें एक बना के रखता नहीं, परमेश्वर हमें एक बना के रखता है। इसलिए परमेश्वर प्रेम, पति पत्नी के बीच में परमेश्वर है तो वो परिवार आशीषित है, तो परिवार स्वर्ग जैसा धरती में जी। ओके, पढ़ेंगे सातवां वाक्य। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमेन, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो मालूम है यूहन्ना जो ये लिखा है यीशु मसीह का सबसे आखिरी चेला। अब अगर सच में प्रेम में बढ़ना चाहता है यूहन्ना की सारी किताब को पढ़ो, हर रोज पढ़ो, प्रेमालु व्यक्ति हो जाए। अब प्रेम से भर गए, बस यूहन्ना पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना तीसरा यूहन्ना रेवलेशन ये सारा किताब पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना लिखा गया है। हालेलुया, वो बहुत प्रेम करता था यीशु और वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चला, इसलिए वो यीशु मसीह के साथ रहने के अनुभव को बता रहा। वो परमेश्वर को खुद देखा था इसलिए वो लिखता है। क्या लिखता है? हे प्रियो, हे भाइयों बहनों, वो कलीसिया को लिखे, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। तो बोलो हमको प्रेम रखें। आपस में क्या करने का? दुश्मनी करने का नहीं, चोट पहुंचाने का नहीं, हमको अपनी बोली प्रेम की बोली, स्टाइल बोली प्रेम का हो, हमारा सोच प्रेम का। आपस में क्या रखे? प्रेम रखे, क्योंकि परमेश्वर, देखो हम प्रेम रख नहीं सकते जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करें। क्योंकि मेरे पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर के पास जब संगति करता है, एक घंटा हर रोज प्रार्थना करता है, आप प्रेम से भर जाएं, तब हम आपस में प्रेम कर सकते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। अगर आपको प्रेम चाहिए, जितना परमेश्वर के वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग में आएंगे, क्यों वेनेसडे को आने का, क्यों फेसबुक लाइव में आने, जितना वचन को सुनेगा
उतना प्रेम से, क्योंकि ये परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। और लव लेटर आप जब सुनेगा आप प्रेम से भर जाएंगे, हम आपस में प्रेम रखें। ये परमेश्वर का नियम है, जब आप प्रेम रखेगा आप पक्का आशीष पाएगा। हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आपकी आदतें बताएंगे आप परमेश्वर का, आपका स्वभाव, आपका देख, आपका सोच, आपका बोली बताएंगे आप परमेश्वर का। क्या आपको देखने वाला यीशु को देखते हैं? क्या आपको अपनाने वाले यीशु को अपनाएंगे? आप पक्का परमेश्वर का। हालेलुया, वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। अगर आप प्रेम नहीं करते आप परमेश्वर को नहीं जानते। जब हम यीशु को नहीं जानते थे हम लड़ाई करते थे, गाली बोलते थे, एक दूसरे को गिराते थे, एक दूसरे को हराते थे, सब दुनिया के कीड़े मकोड़े की चीजें करते थे। पर जब हम यीशु को जाना, यीशु प्रेम है, हम क्या करते हैं? हम आपस में प्रेम रखते कि परमेश्वर मेरा प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है फिर आपको देख कर बोलेगा कि आप सच में यीशु का बंधुआ, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, बोली, आपकी रहन सहन। 5 मिनट आपके साथ बैठेगा तो कोई व्यक्ति बोलना मांगता है ये सच में यीशु का भक्त है, सच में यीशु का चेला। ओके, 8वां वाक्य, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम रखता वो परमेश्वर से जन्मा है। जानने की बात जो वो परमेश्वर का अंग है, परमेश्वर का भागीदार हम, इसलिए हम परमेश्वर का शरीर है। परमेश्वर यीशु मसीह मेरा सर है, क्योंकि मैं यीशु से जन्मा हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं प्रेम रखता हूं, मैं प्रेम रखता हूं और यीशु में बना हूं। जो प्रेम नहीं रखते वह परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, कितने लोग आज निर्णय लेकर मैं प्रेम रखू, मैं प्रेम में चलूंगा, मेरा बोली, सब कुछ का नींव प्रेम है। 9 फल का शुरुआत प्रेम से होता है, अगर प्रेम नहीं बाकी 8 फल नहीं मिले। हालेलुया, 9 वरदान का शुरुआत प्रेम, प्रेम ही सब कुछ है। आज घर में जाके पढ़ना 1 कुरिन्थियों उसका 13वां वाक्य पूरा प्रेम के बारे में और देख लेता, वही है। यस, 1 कुरिन्थियों 13, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। कितना लोग पढ़ेंगे चैट में लिखो, मैं 1 कुरिन्थियों 13 पूरा वाक्य प्रेम के बारे में, यूहन्ना की किताब पूरा प्रेम के बारे में। थंडर सन कहलाने वाला यूहन्ना, प्रेमालु वाला बेटा कैसे बना? मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ रगड़ते रगड़ते आज उसकी बोली प्रेम हो। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखे, परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि वो जाना यीशु मसीह के साथ चलने से जान लिया कि परमेश्वर क्या है, प्रेम। हालेलुया, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर उसे जानता है। अगर आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर आपको नहीं जानते। आप कितना भी बोले यीशु 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 मेरा, यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, जितना भी गा लो, प्रेम अगर आप प्रेम करते नहीं, प्रेम बोलते नहीं, प्रेम सुनते नहीं, प्रभु से नहीं जब आपको प्रभु जानते ही नहीं। बोलते क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। प्यार से तो प्रेम में प्रेम रखने का, प्रेम करने का, मैं तो दुनिया का फिल्मी प्रेम नहीं, आप है प्रेम, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ चाहने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए हम प्रेम करें। मैं जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। जो से बोलो ना, परमेश्वर प्रेम, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह प्रेम है, मेरा पवित्र आत्मा प्रेम है, मेरा पिता परमेश्वर प्रेम है, प्रेमालु परमेश्वर, हम उसका जन, उसकी परिवार है, हम प्रेम से बने, सबको प्रेम से रहने, इधर प्रेम से रहने।
हम खुदगर्ज बनेंगे नहीं, हम प्रेम करें। इवन हमको नुकसान सहना पड़े तो भी हम प्रेम करें। कारण परमेश्वर प्रेम है। ओके, नौवां वाक्य। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, लोगों तो आपसे परमेश्वर प्रेम, आपको कोई प्रेम नहीं किया पर यीशु मसीह आपसे प्रेम, कोई खाली नहीं, उसने अपने जान आपके लिए ली, के लहू के हर कतरों को आपके लिए बहाया, वो हमसे प्रेम कर, वो हमको मरने और सड़ने के लिए छोड़ा नहीं, वो हमको जीवन देने के लिए अपने कुर्बानी दी, कालवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा ताकि वो हमसे प्रेम कर। हम जन्म होने से पहले, हम पाप करने से पहले वो हमारे लिए कुर्बान हो गए ताकि हम प्रेम को जान सके, ताकि वो हमको वो प्रेम दे सके। जो प्रेम नहीं रखता वह, हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट, हाँ, वो इससे प्रकट हुआ कि हाँ परमेश्वर परमेश्वर में अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। पिता परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, जगत में दे दिया, जीने के लिए, मार्ग बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, जीवन देने के लिए और सत्य को बताने के लिए दे दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। उसके द्वारा जीवन, उसका मौत हमें जीवन। पिता परमेश्वर क्यों यीशु मसीह को कुर्बान किया? ताकि हमको और आपको, तो खोए हुए हम और आपको घर वापसी दें। इसको बोलते हैं घर वापस। हम प्रभु से भटक गए थे, जब प्रभु में आए घर वापसी, हम असलियत में घर में आते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वही से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम जीवन, उसके प्रेम के द्वारा हम जीवन पाए। क्या हम सबसे प्रेम करेंगे? क्या हम प्रेम से भर जाएंगे? क्या हम यीशु, अगर आप यीशु से भर जाता है आप पक्का प्रेम से भरे रहेंगे, आप पक्का प्रेमालु, घर में प्रेम करेंगे, बाहर प्रेम करेंगे, आप प्रेम से भर जाएंगे। परमेश्वर का मंदिर, मंदिर में अगर यीशु भरा है तो आप प्रेम से भरा है। हालेलुया, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वही से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत को भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन, हमने उसका प्रेम से यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया, उसका प्रेम से हम जीवन पाए। क्या हम उस प्रेम को बांटेंगे अपने घर में, पड़ोसी में, कलीसिया में? कितने लोग प्रेमालु व्यक्ति हैं जिन्हों में परमेश्वर प्रेमालु व्यक्तियों को तैयार कर, हालेलुया, कितने लोग प्रेम से भरेंगे? यूहन्ना थंडर सन कह लो, इस शहर में यूहन्ना और यीशु मसीह गया, बोला जब वो शहर वाले रोकने लगा तो यूहन्ना के साथ उसका भाई मिलकर बोला उन्हें जला दो। थंडर सन कह लो, आज वो प्रेमालु, आज वो प्रेमालु का यूहन्ना 1, 2, 3 पूरा प्रेम का किताब है। कारण क्यों? इसके साथ रगड़ा यीशु मसीह के। कितने लोग आज से यीशु मसीह के साथ रगड़े? हर रोज सुबह उठकर डैडी आई लव यू, ये आपके प्रेम से भर, मैं आपका प्रेम का बेटा बनना चाहूँ, प्रेम वाले व्यक्ति बनना चाहूँ, मैं प्रेम के लिए जीऊँ, मेरा बोली प्रेम है, पास आशा और प्रेम सबसे बड़ी। ओके, दसवां बात, प्रेम इसमें नहीं कि हमने, हाँ, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं, हम प्रभु से प्रेम कर ही नहीं सकते, इसलिए कितने बार लोग आकर आपको यीशु के बारे में आ रहे वो क्रिश्चियन का परमेश्वर, वो फॉरेन गॉड, कितने बार ठुकरा दी फिर भी मेरा प्रभु हार नहीं माना क्योंकि वो आपसे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु का प्रेम से भरे, आप हर क्षेत्र में प्रेमानु व्यक्ति बने,
घर में आप प्रेम से भरे। हम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते, पर प्रभु हमसे प्रेम किया, हमने उसका प्रेम से भर गया, इसलिए हम प्रभु से प्रेम। हालेलुया, इससे कि हम उस उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को दे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, आपकी पाप हमारे करनी से हम पाप से छुटकारा नहीं पा, पर प्रभु की कुर्बानी से हम पाप, प्रभु की लहू की एक बूंद काफी है कि सारी पापों को धोकर शुद्ध। हालेलुया, उसने हमसे प्रेम, उसने हमको प्रेम से भर, फिर मैं प्रभु के प्रभु से प्रेम, इसलिए मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता, इसलिए मैं अपने बच्चों से प्रेम कर सकता, मैं अपनी पति से प्रेम कर सकता। हर रोज बोलो, प्रभु जी आपके प्रेम से मुझे भरे, आप प्रभु के प्रेम से भरेगा ना, ईमानी व्यक्ति है आप, पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति है, यीशु वाला, यीशु का चेला बने। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि हमने उसने हमसे प्रेम किया, हमारी पापों की प्रायश्चित के लिए एक पुत्र को दी। 11 वर्ष, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम, हम क्या बहुत क्वालिफाइड हो, क्या बहुत परमेश्वर का लाडला धन्य, कुछ के लायक नहीं थे, उसकी अनुग्रह ने मुझे लायक बनाया, प्रभु की अनुग्रह ने मुझे लायक बनाया। इसलिए जब प्रभु हमसे प्रेम करता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों बहनों से प्रेम करूं, मैं अपने परिवार से प्रेम करूं, वो किसी से नफरत नहीं, इवन दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए परमिशन। हमारा एक ही दुश्मन है, दुष्ट शैतान, जो नरक के लिए योग्य है, उससे ही मैं हमारा दुश्मन, बाकी सारे मानव जाति से प्रेम करूं। फिर आपका कोई, आपका आप किसी से नफरत करते, आप भी इसी वक्त कृष्ण से बोलो, प्रभु जी आप मुझे अपनी प्रेम से, मैं उसे प्रेम करूं, क्या आपने मुझसे प्रेम किया, मुझ जैसा व्यक्ति से प्रभु आपने प्रेम किया, मैं सबसे प्रेम, मैं कुछ के लायक नहीं, आपने मुझे सब का लायक किया, अनुग्रह ने मुझे सब कुछ का लायक क्या लिखा है, प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हाँ, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, हमको भी आपस में प्रेम रखना, इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के साथ समय निकालें, आप व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से परमेश्वर के साथ समय निकालें, तो क्या होगा, आप प्रेम से भरे, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर गुस्सा नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं, झूठ का पिता कौन है, शैतान, इस दुनिया वाले सारे चीज झूठ में फंसे हुए, बोका में फंसे हुए, सत्य एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह, तो उस प्रभु में प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम पाकर दूसरे प्रेम करना है, तो उसे बोलो मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, प्रभु से मैं प्रेम पाता हूँ, और मैं तभी दूसरों से प्रेम कर सकता हूँ। यदि बोलो आसान है, तुमको कोई नंगा पाव जाने का नहीं, सर को मुंडवाने के नहीं, पुण्य स्थान में जाने के नहीं, ये करने का नहीं, वो नहीं, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु से प्रेम पाकर सबको प्रेम देने, किसी को बोलो बहुत आसान है, आपकी आशीष की कुंजी में दे दू, कितने लोग आज से प्रभु से प्रेम, क्यों प्रभु से प्रेम करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रभु प्रेम, जब आप प्रभु से प्रेम करेगा आप प्रेम से भर जाएंगे, जब आप प्रेम से भर जाएंगे अब अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने पति से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, पड़ोसी से प्रेम करें, फलिशिया से प्रेम करें, नौकरी में सबसे प्रेम करें, नौकरी में बहुत सब पॉलिटिक्स चलता है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको पॉलिटिक्स से बचाए, धोखेदारी व्यक्ति से बचाए। ये प्रयोग परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम, तो हम वो भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर पिता परमेश्वर को कभी ने किसी ने नहीं देखा, यदि आपस में हम प्रेम रखें
यदि आपस में हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है, तो परमेश्वर हमें आपस में प्रेम में रहेगा, प्रेम में चलेगा, प्रेम में बोलेगा, प्रेम में देखेगा, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आप गुस्सा करेगा, ताली देगा, गरोज देगा, प्रभु आपके साथ रहेंगे, प्रभु के अनुभव नहीं कर पाएंगे कोई भी होने दे, यहाँ गुस्सा ताली गरोज, हाँ प्रभु नफरत, प्रभु प्रेम, प्रभु की भाषा प्रेम। हालेलुया, क्या लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते तो परमेश्वर हम में बना बना रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। व्यक्ति प्रेम निरंतर प्रेम में बढ़ते रहते, प्रेम में हमको बढ़ने के, परमेश्वर का लेवल पहुंचने के लिए हमको हर रोज प्रेम में बढ़ने के, कैसे कोई चीज में बढ़ने के लिए हमको उसको अभ्यास करना। हर रोज जब आप प्रेम का अभ्यास करेगा आप प्रेम में बढ़ेगा। परमेश्वर का प्रेम लेवल अनलिमिटेड है। हालेलुया, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप बढ़ेंगे, आप प्रेमालु व्यक्ति होंगे, आप फिर कई आप फूल रहे, आप पेशेंट वाला भी। हालेलुया, बोलेंगे मेरा परमेश्वर प्रेम है, आपस में प्रेम रखो, परमेश्वर में बना बना रहता है, प्रेम में सिद्ध होता जाता है। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना, सिद्ध बना। एक दिन यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है, जैसा वो है वैसा हम बनते हैं उनको उठाने के। किसी को बोलो मैं यीशु मसीह के साथ बादलों में इसलिए उठा जाएगा कि यीशु मसीह में हर रोज बनता जाता है, पवित्र आत्मा मुझे तेजस और तेजस मैं व्यक्ति हर रोज बनाता, अंश अंश में मुझे तेजस में बना। मैं बिंदु कहता मैं प्रेम में बनी रहूं, यस प्रेम में। हम सबसे प्रेम चाहते हैं, क्या हम प्रेम देने के लिए तैयार हैं? तो आप देगा वही आप भरपूरी पाए, प्रेम देंगे तो आप भरपूरी, गाली देंगे तो आप गाली खाएंगे। ओके, तेरे हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, वो हम इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते, प्रेम में बने रहने। हर रोज बोलो मैं प्रेम में बने रहूं, मैं प्रेम में बढ़ता रहूं। जैसे यीशु मसीह प्रेमालु व्यक्ति अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बानी कर दी आगे पिता परमेश्वर की होल को, लक्ष्य को पूरा कर। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। हाँ, जब आप प्रेम से बना रहेगा, हम प्रभु में और प्रभु मुझ में बने, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। हाँ, उसने अपने पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है जो विश्वासी। पर पवित्र आत्मा तभी प्रकट होगा जब आप प्रेम से भरे, प्रेम से ऊपर आए। पवित्र आत्मा की प्रगटीकरण तब होगा जब आप प्रेम में ऊपर आए। चलो सुन रहे, तो बोलो मैं प्रेम में ऊपर आए, हर रोज मैं प्रेम में बढ़ता रहे, हर रोज मैं यीशु को जानना बढ़ते रहे, हर रोज। इसलिए हर रोज वचन पढ़ने की, आप वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, प्रेम से भर आपकी नफरत की दुनिया मिट जाएंगे और प्रेम की दुनिया चालू हो जाएगी। ओके, हम जानते हैं कि हम में बने रहते हैं वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें आत्मा हमें दिया, पवित्र आत्मा हमें दिया है, कारण क्यों हम प्रेम में बढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर है हम वैसा बने। परमेश्वर कैसा है, प्रेम में, हमको प्रेम में रहने का। तो दुनिया में सब उंगली करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, आपके पीछे बोलेंगे, बहुत कुछ विरोध होगा, नो, मैं अपने प्रेम को खोने में प्रेम में फल। तो लोहिया, आपका जड़ यीशु मसीह है, फल प्रेम। तो लोहिया, ओके आगे 14वां वाक्य, यस
कविता, हाँ हमने देख भी लिया, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि हाँ? पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। वर्णन करता है, हमने देख भी लिया, इसको देख लिया यीशु, हालेलुया, यीशु मसीह का साथ रहने वाला आखिरी चेला है वो, प्रेरित पौलुस, सॉरी प्रेरित यूहन्ना, ये कहता है हमने देख लिया परमेश्वर कैसा है, हमने देख लिया प्रेम है, प्रेम में रहूं मैं, प्रेम उस यीशु से जन्मा है, जब मैं प्रेम करता तो मैं उस यीशु से जन्मा, हमने देखा देख भी लिया, गवाही देता है वो, तो गवाही दे रहा हमको यीशु कैसा है, वो प्रेम से भरा, प्रेम के लिए जीता, वो पिता की आज्ञाओं को वही पाल सकता है जो प्रेम से भरा, परमेश्वर आपके जीवन में मकसद रखा है, उस मकसद को तभी पूरा कर सकता है जब आप उस प्रेम से भरे, आप अगर प्रेमालु व्यक्ति है तो आप पक्का प्रभु की मकसद को पाए, हर रोज आप आशा और आशा में बढ़ते जाएंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे क्योंकि आप प्रेमालु व्यक्ति, आप प्रेम से बढ़े, हालेलुया, हाँ हमने देख लिया कि वह देख लिया, गवाही देता है कि पिता पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेज, इसलिए प्रेम से भरा तो वो मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, कारण क्यों, आप अगर नफरत और गुस्सा से भरा है तो आपका उद्धार करता, आप अगर प्रेम से, यीशु मसीह बोला जैसा मैं पवित्र तू पवित्र, जैसा मैं प्रेम से भरा तू पवित्र, प्रेम प्रेमानुभूति तब आपका उद्धार करता है यीशु, कितने लोग घमंड से कहेंगे मेरा उद्धार करता है यीशु, मैं प्रेम से कर, हाँ जो कोई 15th वर्स ना, हाँ जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर, जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, हाँ और वह परमेश्वर, और वह परमेश्वर में, जो कोई मान लेता है कि दुनिया 10:14 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु प्रभु, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, वो जल्द आने वाला है, उसी का उद्धार है, जिस दिन आप ग्रहण करते हैं यीशु मुझ में है, मैं यीशु में, क्या लिखा है, जो कोई ये मान लेता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें बने, कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और पिता परमेश्वर उसका पिताजी है, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा, तो कोई मान लेता है, क्या लिखा है, परमेश्वर तो उसमें बना रहता मान, है, अब वो परमेश्वर है, कितने लोग लिखेंगे चैट में, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, हालेलुया, पिता परमेश्वर उसका डैडी, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा, जो मान लेते हैं वो क्या लिखा है, वो परमेश्वर में, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हाँ परमेश्वर उसमें बना रहता है, और परमेश्वर वो उसमें बना रहता है, और वो परमेश्वर में, हर रोज बोले का यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊं, इसका मतलब मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु को क्या मानते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, और मेरे लिए बाल जिंदा, हालेलुया, जब आप मानते हैं कलिगा परमेश्वर का बच्चे, जब आप मानते हैं परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हम में बना, हम परमेश्वर में, तो हम हमेशा एक चीज को हर रोज बोलता हूँ, क्या बोलता है, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करे, कौन जोर से बोलो, कोई लिखो चैट में, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करें, दुनिया वाले के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर, हम परमेश्वर का मंदिर, इस मंदिर में परमेश्वर स्वर्ग और धरती की मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया अपनी बोली के द्वारा, आदि में परमेश्वर ने
स्वर्ग और धरती बना है एक बोली के द्वारा, वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, तो लोग समझ में आ, आप एक दिन भी हारने का नहीं, हर रोज विजय पाने का, मैं विजय के लिए क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ, स्वर्ग और धरती का मालिक मेरे साथ, हालेलुया, उद्धार करता मेरे साथ, वो मेरा उद्धार दिया, उद्धार इज ए प्रोसेस। कोई कोई बोलता है कि एक बार उद्धार हो गया फिर आप कुछ भी करो आप स्वर्ग जाएंगे, नो, उद्धार इज ए प्रोसेस, अंतिम समय तक यीशु में बने रहने का, बढ़ते रहने का, हालेलुया, तभी आप स्वर्ग जाएंगे, कुछ भी करके नहीं जा सकते, हालेलुया, प्रभु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, तो मान लेते कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर उसमें बना है, अब वो है, कितना महान बात बोलो, मैं परमेश्वर में बना हूं और मेरा परमेश्वर मुझसे बना है, परमेश्वर जैसा स्वर्ग में राज्य करते हैं मैं धरती में राज्य, भजन सहित मालूम है, हालेलुया, स्वर्ग आपको मालूम है एक ही नाम से गूंजते, उस नाम है यीशु मसीह, करोड़ों दूत 24 घंटा यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जा जाएंगे यीशु की महिमा और स्तुति। ओके 16वां वाक्य, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, कितना लोग विश्वास करते हैं आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम, आप कैसा भी रहने दे आपसे वो प्रेम करते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, उसको हम जान गए, अगर आप वो जान जाएंगे तो प्रेम परमेश्वर मुझसे रखा, अगर हम जान जाएंगे उस प्रेम को, एक दिन भी आप हारेंगे, एक दिन भी आप निराश नहीं, एक दिन भी आप शैतान के हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के हथियार को, हमारा चार हथियार, बहुत हथियार है, चार हथियार है, एक उसका नाम यीशु का लहू, तीसरा यीशु का वचन, चौथा आपका गवाही, परमेश्वर आपके जीवन में जो करता है वो आपका हथियार, सिर्फ कलीसिया में नहीं सब जगह आप गवाह, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच में, आप जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी में गवाह बन, और रोज आप गवाही बन, ताकि शैतान को मुंह तोड़ जवाब, शांत मत बैठो, इन दिनों में आप यीशु मसीह के लिए निकल पड़ो, बोल पड़ो, वो प्रेम चुप बैठे नहीं, वो प्रेम आपको, तो ये व्यक्ति यीशु को नहीं जानते, नरक जा रहे, वो प्रेम आपको उसको यीशु पर नाम बताने के लिए बिलबली मचाएगा आपके अंदर, तो लुया डाली का जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो हम जान गए, हाँ, और हमें उसका विश्वास है, हमें उसका विश्वास है, वो जानने का हमें उसका विश्वास है, हमको यीशु मसीह पे विश्वास है, चलो पूछते आप स्वर्ग जाएंगे, यस पक्का, क्योंकि प्रभु ने कहा है, योहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत काल के जीवन पाएगा, प्रभु हमें अनंत काल के लिए रखा है, टेम्पररी है ये जीवन, टेम्पररी है, पर रियल रियल लाइफ रियल फ्यूचर अब चालू होने, हालेलुया, हाँ, उसका विश्वास है, परमेश्वर परमेश्वर प्रेम है, हमारा विश्वास प्रेम है, और जब आप प्रभु के साथ समय निकालेगा ना आप प्रेम से भर जाएंगे, आप जान जाएंगे आपका जीवन वो प्रेम वाला पावर दिखा, धन्यवाद से हर रोज एक घंटा प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, गाएंगे, प्रभु की स्तुति आ रही, इन दिनों में पिता परमेश्वर
उन आराधों को ढूंढ रहा जो आत्मा और सच्चाई से उसके आराधना में दिन रात प्रभु में मग्न है। हाँ, हम उस पर विश्वास हुआ, प्रेम परमेश्वर प्रेम है। और जो हम जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। और परमेश्वर बार बार परमेश्वर प्रेम बार बार यूहन्ना कह रहा है तो परमेश्वर में बना है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर जैसा प्रेम करेंगे। 16वां वाक्य और भी बड़ा, जो प्रेम परमेश्वर से हम परमेश्वर हमसे रखते हैं, परमेश्वर प्रेम है और जो में जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है हाँ, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। बार बार यूहन्ना कह रहे हे प्रेम में रहो, प्रेम में चलो, प्रेम में बोलो, घर में प्रेम में रहो, बाहर प्रेम में रहो। क्या दरकार था कि वो जानता था वो कैसा खंडर व्यक्ति था, भड़कने वाला व्यक्ति था, चलाने वाला व्यक्ति था। जब प्रभु के साथ रहने लगा रहने लगा रहने लगा 3.5 साल में उसकी जिंदगी बदल गई। वो व्यक्ति लिखता है, अगर मैं यीशु मसीह का लिखना चालू करूं दुनिया भर के किताब भर जाएंगे, फिर भी परमेश्वर के पूरी बातों को लिखना कम रहेगा। तो लोग समझ कितना महत्व बात जो है ना। ओके, 17वां वाक्य, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि हमें इसी न्याय से कर। हमें, देखो जो चीज को हम ज्यादा बोलते हैं ना वो चीज आप में बढ़ते जाएगी। यीशु मसीह के प्रेम यानी कि अगापे प्रेम को आप बोलते रहेंगे ना, आप प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, घर में प्रेम में बढ़ते जाएंगे, अब बाहर प्रेम में बढ़ते जाएंगे। यूहन्ना इतना प्रेमालु व्यक्ति क्यों बना, ताकि वो पूरा किताब देखेगा ना। यूहन्ना सबसे की वर्ड John 3:16 यूहन्ना देखता है वो प्रेम से भरा। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, प्रेम, हालेलुया, वो प्रेम के बातें किए, इसलिए वो प्रेम में बढ़ता गया। हाँ, कि हम न्याय के कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। हाँ, अगर हम प्रेम में बढ़ता जाएगा न्याय के दिन में हम तैयार धैर्यशाली प्रभु के सामने मिलने के लिए लग जाएंगे। कई विश्वासी लोग प्रभु से मिलने के लिए लग जाएंगे, कारण क्यों, प्रभु के मुंह से पूछते हैं तुमको मैं जानते ही, कारण क्यों, आपने प्रेम को अपनाएंगे। हालेलुया, इसलिए उधर लिखा है 17वां वाक्य, इससे प्रेम हम सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन में हिवाए। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम, जैसा परमेश्वर स्वर्ग में है, जैसा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसी तरह हमको धरती में जैसा परमेश्वर है वैसा हमको रहने का। परमेश्वर कैसा है, प्रेम, हमको प्रेम में रहने का, प्रेम में चलने का। कुछ भी कोई भी उंगली करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्रेम में रहेंगे, प्रेम में मैं बोलता रहूं। अगर मैं प्रेम में चलने का है, मैं प्रेम को बोलते रहने का, ये वचन को रट्टा मार लिया तो प्रेम से भरा है वो परमेश्वर से जन्मा, वो परमेश्वर में बना है, परमेश्वर में बना है तो परमेश्वर जैसा प्रेम करते हैं हमको प्रेम करेगा। ओके, आगे, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, जब आप प्रेम से भर जाएंगे ना आपको कोई डर नहीं। इसलिए 2 तिमोथियों 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया पर क्या दिया, सामर्थ संयम प्रेम। जहां डर आ गया उसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं, आप प्रेम में उभर आएंगे तो आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई व्यक्ति से डर नहीं, कोई जगह से डर नहीं, कोई घर से डर नहीं, डर नहीं। जहां डर आ गया उधर शैतान है, जहां प्रेम है उधर यीशु, अगापे प्रेम यीशु, विश्वास यीशु, आपके अंदर विश्वास आएगा तो आप
डर को भगा दे, आपके अंदर प्रेम आएगा, डर को भगा दे, आप डरेंगे नहीं। डर से बोलो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रेम से भरा। चली गए, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, अगापे प्रेम भय को भगा देता है। आज कौन सा शरीर आपको सता रहा है, कौन सा डर आपको सता है? रात को सोने का डर, रात को स्वप्न आने का डर, खतरनाक स्वप्न का डर, कारण क्यों? आपके अंदर प्रेम नहीं। आज वचनों को सुनकर आप प्रेम से भर कर सोएगा, आप डरेंगे नहीं। प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद दे। हालेलुया, क्या लिखा है? प्रेम में भय नहीं होता। किसी को पूछो आपके प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, तो आप डरेंगे नहीं, भय नहीं होता। असिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर करता है। आज प्रेम से भर जाओ, सारी डर, अर्ज का डर, है कमी घटी का डर, जब आप प्रेम से भर जाएंगे निकल जाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। कारण क्यों? जंगल में रहने वाला, भेड़ों को चराने वाला दाऊद कहता है कि कोई घटी नहीं, कारण की वो भय नहीं, उसे प्रभु का प्रेम चक लिया। पुराने नियम में दाऊद अगर प्रेम चक लिया, कितने अधिक हमको नए नियम में प्रभु अपने प्रेम से भरा। प्रेम में यूहन्ना चलने, यीशु मसीह के चलते साथ चल के वो उसके अनुभव को बांट रहा, कितने लोग समझ रहे? हाँ, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, भय का संबंध दंड से होता है। जब डरा, डर गया सो मर गया। भय हमेशा दंड देता, विश्वास और प्रेम हमेशा पुरस्कार दे। कितने लोगों को पुरस्कार चाहिए? मैं आपको प्रेम से भर, आप पुरस्कार प्रेम कर, प्रेम की बोली बोल, आपकी बोली में प्रेम अमृत होना चाहिए। सृष्टि की बोली पावर, क्रिएशन पावर है आपकी बोली। आपके जीव में क्या है? जीवन और मौत है, तो जीवन के बातों को इस्तेमाल करेगा वो उस पल को वो खाए। हालेलुया, हाँ। और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ये प्रेम कर, हर बातों में डरता है, उसका मतलब आप प्रेम में सिद्ध नहीं। आप प्रेम में सिद्ध है, आप कोई बातों से डरेंगे, हर बात पर आप विजय पाएंगे। जीवन में विजय पाने का आपको प्रेम से डर, अगापे प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं। हम प्रेम करते क्योंकि हमको कुछ देने, यीशु हमसे प्रेम किया ताकि वो हमको हर देने। हालेलुया, चलो समझ, ओके आगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो हम प्रेम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास प्रेम है ही नहीं। प्रेम का भंडार यीशु के पास है, और जब आप यीशु से प्रेम करेंगे, आप प्रेम से भर जाएंगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हाँ, हम इसलिए प्रेम करते कि पहले उसने हमसे प्रेम किया था। वो हम जन्म लेने से पहले मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया, मेरा उद्धार का तैयार कर दिया, मेरे लिए सब कुछ, इट इज फिनिश, उसने मेरे लिए सब कुछ फिनिश किया, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। हमसे, हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं कि वह पहले उसने हमसे ही। कितने लोग आज बोले मेरा प्रभु मुझसे प्रेम किया, तो मैं प्रभु से प्रेम करता, मैं प्रभु के लिए जीऊं, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु स्वर्ग के लिए मुझे बना। ओके, 20वां वाक्य। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। ये लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और भाई और बहनों से नफरत करते हैं, तो वो कौन है? वो झूठा है। झूठ का पिता का बेटा है। झूठ का पिता कौन है? कोई भाई और बहनों से हमको नफरत, कलीसिया के हर व्यक्ति से आपको प्रेम कर, हर मानव जाति से प्रेम कर, और जितना भी नफरत वाला बात करे
और जितना भी आपको गिराए आपको प्रेम करता है। ठीक है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखते तो वह झूठा है, क्योंकि क्योंकि जो अपने भाई से किसी उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। दिखने वाले भाई को अगर प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखी परमेश्वर को कैसे प्रेम करें? मतलब आप झूठ बोल। हालेलुया, दिखने वाला भाई से हमको प्रेम, परमेश्वर का सिद्धांत प्रिंसिपल, वो कुछ भी करे आपकी इच्छा के जैसा वो किया नहीं था, आप चाहा वो दिया नहीं, कोई बात, पर हमको प्रेम करना, क्योंकि दिखने वाला भाई को हम प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखी परमेश्वर से हम कैसे प्रेम, मतलब हम झूठ बोल। हालेलुया, कितने लोग आज सबसे प्रेम करें, आप प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रेम आप परमेश्वर आपको प्रेम से भरे, आप सबसे आसान हो जाए, तो आप देते हैं वही आप भरपूरी पाएंगे, आप प्रेम देंगे आप भरपूरी प्रेम पाएंगे। कितने लोग आज से प्रेम देंगे, वो प्रेम है आगापे प्रेम, हालेलुया, दुनिया वाला प्रेम नहीं, कुछ पाने के लिए प्रेम करना वो तो आसान है, देने के लिए प्रेम करना मुश्किल, वो प्रेम है यीशु मसीह, तो आप उसके साथ समय निकालेगा, आप उस प्रेम से प्रेम, दिखने वाले भाई से अगर प्रेम नहीं कर सकते तो अंधे की परमेश्वर से कैसे प्रेम। हालेलुया, ओके, आखिर वचन, उससे हमें ये आज्ञा मिली है, उससे हमें ये आज्ञा, किससे? यीशु मसीह से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखता है बोलता है तो हमको सबसे भाई और बहनों से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर प्रेम है, और 3.5 साल में प्रेम को दिखा, हमारे चेलों को बनाए, उनको प्रेम से भरा, उनको जो जो वो करते थे परमेश्वर पिता परमेश्वर जो जो करते थे वही यीशु मसीह करते थे, और यीशु मसीह वही दिखाया पिता परमेश्वर करते, चेले लोग वही दिखाया, तो वही करने का जो यीशु मसीह से चेले लोग पाए, अच्छे लोग से हम पर यौहन्ना बोलता है परमेश्वर प्रेम है, हमको प्रेम में रहने का, प्रेम में चलते रहने, चलो आज से प्रेम में चलना, प्रेम आपका जीत, आप प्रेम में चलेगा आप पक्का जीत, परिवार जीतेंगे, आपके बच्चे जीतेंगे, आप प्रेम करेंगे आपके बच्चे प्रेम करेंगे, आप प्रेम करेंगे आपके कलीसिया वाले प्रेम करेंगे, लोग बोलेंगे मैं यीशु से प्रेम पाया, यीशु के जैसे सबसे। हालेलुया, वचनों से प्रभु आप सब हाले